चलिए आपको एक बड़ा अपडेट दे देते हैं, एक घंटे बाद बंद हो जाएंगे सभी पेट्रोल पंप। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पंप डीलर्स की हड़ताल शुरू हो जाएगी आज और कल। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। वैट कम करने की मांग को लेकर डीलर्स की हड़ताल हो रही है। इसी के चलते आज सुबह 10 से शाम 6 बजे तक और कल भी सुबह 10 से शाम 6 बजे तक सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। वैट कम करने की मांग इन पेट्रोलियम डीलर्स की, इसी के चलते आज और कल दो दिन हड़ताल की जाएगी। वैट कम करने की ये पेट्रोलियम डीलर्स मांग कर रहे हैं। तो आपको बता दें, एक घंटे का समय है जहां पर तमाम वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और दो दिन जो है 10 से 6 जो टाइम है इस समय पेट्रोल पंप बंद रखे जाएंगे, जिसके चलते आम जनता को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। और इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। हमारे साथ में जयेश पारिक और राजेंद्र डूडी लाइव जुड़े हुए हमारे साथ में, और हमें बता रहे हैं कि क्या स्थिति है पेट्रोल पंप बंद होने से, क्या कारण है पेट्रोल पंप के ये हड़ताल पर जाने का। जी बताएं जयेश, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, पूरे राजस्थान प्रदेश में जो पेट्रोल डीजल एसोसिएशन द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया है, उसमें राजस्थान के 7000 पेट्रोल पंप ही नहीं, जो पूरे राजस्थान भर के जो अन्य जिले हैं, सभी जिलों के जो प्रदेश व्यापी जो हड़ताल है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेशव्यापी हड़ताल में जो जिले के पंप हिस्सा ले रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है, ये सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन लोगों में कंफ्यूजन देखने को मिला है, जिसके चलते जो देर रात से ही जो पेट्रोल पंपों पर जो है वो काफ़ी भीड़ उमड़ रही है। लोगों में दो दिन जो बंद का माहौल है, जो पेट्रोल पंप बंद किए जा रहे हैं उनको देखते हुए दो दिन पेट्रोल भरवाने के हिसाब से जो पेट्रोल पंपों पर भी ये जो है वो खासी भीड़ उमड़ रही है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाना चाहेंगे कि जो पेट्रोल पंप पर जो है लगातार जो कामकाजी लोग हैं, जो सरकारी दफ्तर जाने वाले लोग हैं और जो निजी दफ्तर के भी जो लोग हैं, वे भी लगातार यहाँ पर उमड़ रहे हैं। इसमें जो हड़ताल का फैसला, जो राष्ट्र प्रदेशव्यापी जो हड़ताल का फैसला लिया गया है, वो भी सोच समझ कर लिया गया है, क्योंकि 10 बजे से ही जो सरकारी कामकाज शुरू होते हैं, सरकारी कामकाज शुरू होने के साथ ही जो लोग घर से बाहर निकलते हैं, वे लगातार पेट्रोल भराने के लिए जब यहाँ आते हैं, तो 10 बजे से ही जो है हड़ताल का फैसला लिया गया है। फिलहाल जो ये हड़ताल है वह 2 दिवसीय ही देखी जाएगी, जिसके बाद में अगर सरकार द्वारा करों में कटौती की जो मांगे हैं पेट्रोल डीजल एसोसिएशन की, अगर वो नहीं मानी जाती है, जिसके बाद में 2 दिन बाद में यानी करीब 15 तारीख के आसपास से जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी, चेतावनी भी पेट्रोल डीजल एसोसिएशन द्वारा दी गई है। जी बिल्कुल, आप इस पे नजर बनाए रखिए, दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ में। और आइए आपको ले चलते हैं आप जोधपुर, हमारे सहयोगी जितेंद्र डूडी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कैसी व्यवस्था है, किस तरह का आपको माहौल दिख रहा है, बहुत भीड़ होगी पेट्रोल पंप्स पे, क्या है वहाँ स्थिति? जी बिल्कुल, सालिनी बताना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से आज पेट्रोल पंप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पेट्रोल लेने के लिए वाहन चालकों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि ये 10 बजे तक पेट्रोल जो है मिलेगा आज, इसके बाद जो है पेट्रोल नहीं मिलेगा, स्ट्राइक रखी गई है। वेट को लेकर ये स्ट्राइक है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वेट बढ़ा हुआ है, इसी की वेट कम करने की मांग को लेकर जो है तमाम एसोसिएशन जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जो लोग हैं, उन्होंने आज हड़ताल की और उन्होंने ऐलान भी किया है, अगर 2 दिन में ये जो है पेट्रोल पंप जो वेट कम नहीं होता है, तो आने वाले दिनों में जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का भी जो है चेतावनी दे चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही पेट्रोल पंप की हड़ताल का जो आम दिन को पता लगा, तो यहाँ पेट्रोल पंप पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक वाहन चालक यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि 2 दिन ये बंद रहेगा, 2 दिन को लेकर जिस तरीके से बंद का आह्वान किया गया है उसी को लेकर ये भीड़ बढ़ती जा रही है। 10 बजते ही पेट्रोल पंप एसोसिएशन तमाम जोधपुर शहर के पेट्रोल पंप बंद कर देंगे, उसके बाद शाम 6 बजे तक कोई पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। इस दौरान जो है इमरजेंसी सेवाओं को बहाल रखा गया है, चाहे वो एम्बुलेंस हो या कोई पुलिस की गाड़ी हो या अन्य जो इमरजेंसी सेवाओं में आते हैं, उनको बाहर जरूर रखा गया है, उनको पेट्रोल डीजल मिलेगा, बाकी अन्य को किसी को पेट्रोल और डीजल आज की डेट में और कल की डेट में नहीं मिलेगा। जी सालिन,
जी, और 15 तारीख को आप सांकेतिक धरना तो दो दिन है, लेकिन 15 तारीख से अनिश्चितकालीन पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं, इसको लेकर के क्या आप किसी से बातचीत हुई आम जनता के बीच में? किस तरह का कंफ्यूजन है, अगर आप बात करके हमें बताएं कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आमजन से बात करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल दो दिन बंद रहेगा, बाद में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि इससे जो है आमजन को कितना नुकसान होगा, क्या आमजन को नुकसान होगा? सर, ये तो रोजमर्रा की जरूरत की चीज है, आदमी क्या पहले तैयारी करके रखेगा, और बीच रास्ते में और ट्रांसपोर्ट के सर्विस में इतना आप स्टॉक थोड़ी कर सकते हैं। ये तो रोज राजस्थान में जो वेट बढ़ा है उससे वेट सरकार को, इसमें चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, वो वेट में राहत देके जनता को कुछ तो राहत देनी चाहिए। और पेट्रोलियम में तो सबसे ज्यादा हाइएस्ट टैक्स है जो जनता से वसूल किया जा रहा है। सरकारों को जो है राहत देनी चाहिए। अन्य राज्यों की बात करें तो वहाँ बेड जी जितेंद्र दोबारा जुड़ेंगे आप बने रहिए हमारे साथ में, फिर आपसे अपडेट लेते हैं। जयेश, आपसे जानना चाहेंगे, जो आम लोग हैं जो लंबी कतारें लग रही हैं, क्या कहना है आम जनता का? जी देखिए, लगभग एक घंटे का वक्त और बाकी रहा है, जिसके बाद में जो पेट्रोल पंप है वे हड़ताल पर जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर एक घंटे घंटे के जो समय रहा है इस बाकी इस अंतराल में, जो लगातार पेट्रोल पंपों पर जो है वो खासी भीड़ देखने को मिल रही है। हमारे साथ पेट्रोल पंप संचालक भी मौजूद हैं, आइए जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है और सर किस तरीके से एक देखने को मिल रहा है। नमस्कार, कैसे, क्या खासा असर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे दो दिन तक हड़ताल रखी हो? हड़ताल रखने का मेन मुद्दा यही है, जो राजस्थान राज्य के अंदर जो इतना वेट है और डीलर का जो मार्जिन जो कम है, उसके कारण सारे डीलर परेशान है, पीड़ित है मार्जिन कम होने से। क्योंकि जब 50-60 रुपए का भी पेट्रोल डीजल था तब भी मार्जिन वही था, और आज 100 रुपए का है तब भी मार्जिन वही है। उसके अलावा आज इतना अधिक वेट होने के कारण जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो सारे इस राज्य से बाहर जितनी भी बॉर्डर दूसरे राज्य में है वहाँ जाके सारा डीजल पेट्रोल खरीद रहे हैं, उसके कारण हमारे सभी पंप वालों को अधिक से अधिक नुकसान हो रहा है। सर, ये जाना जाएंगे कि दो दिन जो सांकेतिक हड़ताल है उसमें कैसा क्या असर देखने अगर मिल रहा है, जैसे आमजन भी परेशान हो रहे हैं? आमजन अधिक से अधिक परेशान होंगे, सेल करने में हम लोग परेशान होंगे, भीड़ अधिक होगी, हम लोगों को सेल टाइमली नहीं कर पाएंगे। अभी 10 बजे जैसे जो इमरजेंसी व्हीकल है हम उसमें डीजल पेट्रोल भर सकते हैं, बट जो जरूरतमंद है उसको हम तेल सप्लाई नहीं दे पाएंगे, इससे आम जन को भी तकलीफ होगी और हमें भी बहुत तकलीफ होगी। जी, तो करों में कटौती की मांग को लेकर जो पेट्रोल पंप हैं वे दो दिन सांकेतिक हड़ताल पर जा रहे हैं, जिससे आम जन सहित जो पेट्रोल पंप मालिक हैं उनको भी खासी परेशानी का सामना देखना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी बात यह निकल कर सामने आई है कि दो दिन की सांकेतिक हड़ताल के बाद में असल परेशानी तो तब साबित होगी जब अनिश्चितकालीन हड़ताल पंप मालिकों द्वारा कर दी जाएगी। हमारे साथ में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजमेर से हमारे सहयोगी नवीन वैष्णव। नवीन, क्या असर दिख रहा है आपको इस सांकेतिक हड़ताल का, किस तरह से लोगों में परेशानी का सबब देखने को मिल रहा है? जी नवीन, जयेश, आप बात करें आम लोगों से, आसपास बात करके बताएं कि उनका क्या कहना है इस तरह की हड़ताल, क्या ये जायज है? क्योंकि पेट्रोल कभी भी खत्म हो जाता है, पेट्रोल और डीजल तो बिल्कुल मुख्य चीजें हैं। जयेश, बताएं लोगों से बात करके। देखिए, 10 बजे का जो समय है वे कामकाजी जो लोग हैं उनके घर से निकलने का भी समय है, तो लगातार जो लोग हैं वे भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि किस तरह लगातार यहाँ जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे कि दो दिन जो सांकेतिक हड़ताल है उसके बाद में भी किस तरह लोगों को जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी समस्या देखनी पड़ सकती है। सर, जो दो दिन सांकेतिक हड़ताल है सर उसके बाद में भी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी उसमें किस तरह की परेशानी आमजन को देखनी पड़ सकती है? ठीक है सर, बहुत खराब है। दो दिन की हड़ताल के बाद में सर किस तरह की परेशानी जो आमजन को देखने को मिल सकती है? देख ही रहा है परेशानी, तो सभी देख रहे हैं, क्या करें। देखिए, जल्दबाजी में लोग हर तरह की बात कह रहे हैं, लोग हर तरीके से यही कहने में लगे हैं कि पहिया रुकता है, महंगाई अपने आप में और चीजें बढ़ जाती हैं, हर चीज का रेट बढ़ जाता है। आप कहीं आपके आसपास जो लोग हैं उनसे बात करके बताइए उन्हें क्या लगता है कि अगर हड़ताल आगे बढ़ी तो किस तरह से इसका असर देखा जा सकेगा? जी
जी देखिए कि दो दिन की मात्र अभी जो है 13 और 14 तारीख दो दिन की मैच सांकेतिक हड़ताल है। सांकेतिक हड़ताल में भी जो पेट्रोल पंप पर आमजन का हुजूम उभर रहा है, लोग इस कंफ्यूजन में भी है कि पूरे दिन की हड़ताल है। हालांकि जो सांकेतिक हड़ताल है 10 बजे से 6 बजे की हड़ताल है, इसके 10 बजे के पूर्व और 6 बजे के बाद में आमजन जो है वो आसानी से पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भरवा सकेगा। लेकिन बावजूद इसके जो पंपों पर भीड़ उमड़ रही है, जी सर जानना चाहेंगे कि अभी दो दिन की जो सांकेतिक हड़ताल है इसके बाद में अनिश्चितकालीन हड़ताल पंप मालिकों द्वारा की जाएगी, किस तरह की परेशानी आमजन को देखने को मिल रही है? बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। कल भी 3 पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल नहीं मिला, सुबह उठ करके काम छोड़ करके पेट्रोल डलवाने के लिए हमको आना पड़ा। और चुनाव है, सरकार को जीएसटी कम करना चाहिए, डीलर भी आराम में रहेंगे और जनता भी आराम में रहेगी। जयेश आपसे फिर जुड़ेंगे, आपसे फिर जुड़ेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ में। और आइए अब बात करते हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र से, जोधपुर से। जितेंद्र, किस तरह का असर देखने को मिल रहा है आम जनता से, लोगों से बात करके बताइए उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, मैं बात करने का प्रयास करता हूँ कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की जो हड़ताल हो रही है, भाई साहब क्या कहेंगे जो अगर ये हड़ताल आगे बढ़ती तो क्या आम जनता को काफी समस्या आएगी इससे, क्योंकि मेन चीज हमारे लिए ये आना जाना, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, फिर आगे सरकार जाने। आप मानते हैं कि राज्य सरकार को वेट कम करना क्या सर? देख सकते हैं लोगों में बहुत जल्दबाजी है, बने रहिए हमारे साथ में जितेंद्र। और आइए हम रुख करते हैं अजमेर में, जहां हमारे सहयोगी नवीन वैष्णव जुड़े हुए हमारे साथ में। नवीन, किस तरह से इस हड़ताल का, सांकेतिक हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि ये 2 दिवसीय हड़ताल रहने वाली है और 10 से शाम 6 बजे तक ये हड़ताल रहेगी। और राजस्थान सरकार से जो वेट है उसे कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप संचालक ये हड़ताल करने जा रहे हैं। इस हड़ताल का असर कल शाम से ही देखने को मिला और लोगों में इतनी जल्दबाजी है कि वह अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाना चाह रहे हैं। उन्हें यही डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए और वह कहीं अटक जाए। आप देख सकते हैं हम अजमेर के ये गुजराती पेट्रोल पंप, गुजराती स्कूल के सामने स्थित पेट्रोल पंप पर है, जहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ देखी जा सकती है। और आज 10 बजे से ये हड़ताल शुरू होने वाली है, ऐसे में हर किसी को ये जल्दी है कि जल्द से जल्द वह पेट्रोल भरवाए। यहाँ जो लोग मौजूद है उनसे हम बात करना चाहेंगे कि जो ये हड़ताल है और इसका आम आदमी को कितना फ़ायदा मिलने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? 2 दिन की पेट्रोल पंप की हड़ताल है सर, 2 दिन की पेट्रोल की हड़ताल है तो प्रॉब्लम भी होगी और बाकी बढ़िया ही है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि 2 दिन की हड़ताल से आम आदमी को तो परेशानी होने वाली है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जी पेट्रोल पंप संचालक हो या कोई वहां पर उस मौजूद हो तो उनसे पूछकर बताइए कि कब तक, और 2 दिन तो ये सांकेतिक हड़ताल चलेगी लेकिन 15 तारीख से हड़ताल की चेतावनी दे दी गई है अनिश्चितकालीन की, इसको लेकर के लोगों में किस तरह का पैनिक है, किस तरह का लोगों में रिएक्शन आ रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि लोगों में खासा लोगों को पैनिक है और लोगों में ये बना हुआ है कि अभी इस बार तो 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल है लेकिन यदि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल हो जाती है तो ऐसे में आम आदमी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और जो लोग हैं वह किस तरीके से अपना आवागमन कर पाएंगे। जो यहाँ पेट्रोल पंप कर्मचारी हैं इनसे बात करेंगे कि किसको लेकर ये हड़ताल की जा रही है और यदि 2 दिन में मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर आगे क्या रहेगा? ये क्या कि अपने राजस्थान में पेट्रोल इतना महंगा है इसकी वजह से ये हड़ताल की जा रही है। बाहर राज्य से हरियाणा उधर 10-12 रुपये का फर्क है और यहाँ महंगा है इसलिए। तो इससे कितना क्या असर पड़ रहा है अपने व्यापार? तो आज असर पड़ रहा है सर, यहाँ से कोई डिमांड लेते नहीं है, तो बाहर जाकर माल लेते हैं, वापस वहाँ जाकर गाड़ी फुल कराते हैं, फुल हुआ तो अगर 2 दिन में भी मांगे नहीं मानी जाती तो वो आप वो आपातकालीन हड़ताल की जाएगी। तो जैसा कि पेट्रोल पंप के जो ये कर्मचारी है इनका भी यही कहना है कि जो बाहर के जो राज्य हैं वहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफ़ी कम है और बजाय राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 10 से 12 रुपए लीटर का अतिरिक्त जो वो रुपए हैं वे लिए जा रहे हैं। इसके चलते राजस्थान के जो पेट्रोल पंप संचालक हैं कि अगर पेट्रोल नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं जो पहिया रुकता है इससे काफ़ी परेशानी का सामना पूरे प्रदेश को करना पड़ सकता है। हम धन्यवाद देंगे नवीन आपका, जितेंद्र आपका और जयेश पारीक आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए और वहाँ पर स्थिति का जायजा लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।